So we will be continuing from where we left in yesterday's session, right? So first of all, we were doing time value of money. तो सबसे पहले तो अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जो भी उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए थे हमारे, विल कम कंप्लीट दोस पॉइंट्स एंड पोस्ट दैट वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, ठीक है ना? सो जस्ट अ मिनट, आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज हाउ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आर वैल्यूज. सो द मोर द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इज हैपनिंग, द बेटर वैल्यू वी आर एबल टू क्रिएट, राइट? नाउ हियर वी हैव अ पॉइंट ऑन कंटिन्यूअस कंपाउंड. इट्स अबाउट, कैन यू हियर मी? अटक अटक के आवाज आ रहा है मैम. अभी कुछ बेटर है या अभी भी अटक रहा है? अभी हाँ अभी ठीक है. ठीक है, ठीक है. तो अभी देयर आर टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर ऑफ कंपाउंडिंग थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग? Okay, so continuous compounding is where we are not even defining the time frame for compounding to happen. We are just saying that compounding is happening on continuous basis. Every second there is being return being calculated and being added into our principal to calculate the overall wealth creation. Okay, so it's happening on continuous basis. Now the point is, if the compounding is happening on continuous basis, then how can we go ahead and calculate its value, right? That is the point we were supposed to discuss, okay, yesterday. So we will be talking about that point. अब जब continuous compounding का case आ जाता है ना, तो वहां पर एक challenge क्या आता है? वहां पर challenge ये आता है कि वहां पर number of periods हम किस तरीके से डिफाइन करें, मतलब कंपाउंडिंग को रेट को कैसे एडजस्ट करें, पीरियड्स कैसे डिफाइन करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल्स. सो एक्सपोनेंशियल इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट? सो अभी जो फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वो क्या है? सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट दैट. I think it would be better if I write it down on the whiteboard. ये Zoom का whiteboard है. I've never used it, but let's try. Okay, so what is the formula? So formula for calculation of future value would be, of course we need our present value. Now we have to multiply the present value. Hum kya karte the, hamara formula kya tha? 1 plus r raised to power n. ha n, yeah, n ya t, theek hai? Ye hota tha hamara formula. Ab bhi hum kya karne wale hain, what we are going to do is we are going to multiply it with the exponential. Okay, exponential of what? We are going to multiply by the exponential of the rate. ठीक है, क्योंकि rate जो है वो exponentially compound कर रही है over a certain number of years. ठीक है, so whatever rate is, whatever time frame is, ये हमारे किस में आता है? To the power of e आता है, and we multiply it with our present value to calculate the फ्यूचर वैल्यू. ओके, सो वेर ई वैल्यू इज, मतलब अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.718281818. डू यू हैव टू रिमेम्बर इट? द आंसर वुड बी नो. यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट. ओके,
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने फाइनेंशियल कैलकुलेटर में, टू कैलकुलेट इट वी नीड टू नो दैट एज वेल। ठीक है, तो कैलकुलेटर में इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए आई नीड टू शेयर द कैलकुलेटर फर्स्ट। ठीक है, सो कैलकुलेटर में एज यू कैन सी हियर ln लिखा है। ln क्या होता है? log होता है, राइट? और log का ऑपोजिट क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं e raised to power x, e being 2.71 जो भी वैल्यू है उसकी, दैट वैल्यू raised to power x। अब हमारे केस में x क्या है? हमारे केस में x है जो भी हमारा रेट है इंटू एन, दैट इज आर एक्स। ठीक है, तो हम अगर हमारे को ई रेस्ट पार एक्स करना है, तो जैसे कि हमने कल भी बात करी थी दैट वी हैव टू यूज द सेकेंड, सो सेकेंड एंड एलएन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंशियल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सीधा एलएन पे करेंगे तो लॉग ऑफ समथिंग होगा। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं टू कैलकुलेट इट। ओके, लेट्स से वी वांट टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 व्हिच विल अर्न 8% फॉर 2 इयर्स कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। यानी अगर 2 इयर्स तक कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाएगा 2 इयर्स तक 10,000 की अमाउंट पे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर आना, तो कितना हमारे पास बेसिकली वेल्थ क्रिएट हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 8% इंटू 2 करना पड़ेगा, भाई तो उस आर इंटू एन बोला था, आर क्या है? 8%, 8% इंटू 2 दैट इज द टाइम फ्रेम, तो वो कितना हो जाता है? 16% हो जाता है, यानी 0.16। अभी अपने को 0.16 का एक्सपोनेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम 0.16 टाइप करेंगे अपने कैलकुलेटर में, विल टाइप 0.16 एंड देन सेकेंड एंड ln टू गेट द एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.6। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है? 0.16 सेकेंड ln, व्हाट डू यू गेट? आपका आ गया। इसको हम क्या करेंगे? We'll multiply it with our present value, which was 10,000. आप multiply करते हो 10,000 into 1.17. How much do you get? 11,735.11. This is your future value. Okay. ठीक है। हाँ। So this is how we calculate the future value if it is the case of continuous compounding. ठीक है, मतलब पहले नंबर लिखा, फिर सेकंड ln, फिर उसके बाद वो जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय हमने क्या 10 प्रेजेंट वैल्यू। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो हमने We have done all types of compounding here. Let's go back to our example. वहाँ पर भी एक question था, ठीक है? वहाँ पर भी we had a question that if we invest 1 lakh at a rate of return of 20% for 5 years, if it is the case of continuous compounding, what will be our future value? Calculate कर सकते हम? कितना future value आएगा इस case में? How much future value will we get? Minus sorry, it's 248832. Type that in chat. 248. Okay. Okay. What about others? Are we getting the same amount or a different amount? 248832. Okay. What about others? Inform. Are we able to calculate this figure, guys? Please confirm. मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं क्या?
रेट है आपका 20%, 20% into 5 आप करते हो कितना आता है आपका, 20% into 5 कितना आता है, एक सेकंड मैं ना ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ, आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। हाँ तो 20% आप लेते हो, दैट इज 0.2 into 5 आप करते हो, कितना आता है, 1 आता है। हाँ ठीक है, अभी आपका 1 आ गया, e आपको क्या करना है, e रेस्ट पर 1 निकालना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हो, अभी आपने अपनी, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, एक सेकंड लेट मी चेंज द सेटिंग्स ऑफ माय वीडियो। मैम कैन वी डू इट वंस मोर प्लीज, थोड़ा सा डाउट है, मतलब समझ नहीं आया चीजों को, तो एक बार आप और समझा सकते हो। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू डू द रेट इनटू द नंबर ऑफ पीरियड्स व्हिच इज 5 इयर्स, सो 20% इनटू 5 इज अ फर्स्ट स्टेप, सो 20% इनटू 5 आप करोगे तो इट शुड गिव यू 1। आर यू एबल टू सी 1 ऑन माय स्क्रीन हियर, इज इट विजिबल, थोड़ा वाइट दिख रहा है अब भी, दिख रहा है कुछ, हाँ अब दिख रहा है। हाँ तो 20% into 5 आपने किया, 1 आया, इस 1 का हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 आपका ऑलरेडी स्क्रीन पे है, आपको सिंपली क्या करना है, सेकंड पे क्लिक करना है, एंड सेकंड पे क्लिक करके फिर आपको ln पे क्लिक करना है, दिस इज व्हाट यू शुड गेट, 2.72। आ रहा है, दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे, थोड़ा और पास ला सकते हो, हाँ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2.72 करके, आपका ये आ गया। अभी इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से, जिसका हम बेसिकली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, विच इज 1 लाख, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, विल मल्टीप्लाई इट विद 1 लाख एंड इक्वल टू द आंसर दैट यू शुड गेट इज 2,71,828। यस मैम, आ रहा है, आ रहा है, बस इतना करना है, ठीक है, चलो ओके फाइन। सो दिस वाज अबाउट आर कंपाउंडिंग। अभी एक और कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दैट यू नो जो भी हमारे को रेट, गिवन रेट होता है वो क्या होता है, स्टेटेड रेट होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, दैट इज द गिवन रेट। जैसे कि अगर एफडी में 5% बोल रहे हैं तो 5% हमारा स्टेटेड रेट हो गया, या फिर सेविंग्स अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं, सो सेविंग्स अकाउंट स्टेटेड रेट इज 3%, ठीक है, रफली एग्जांपल है, ठीक है। सो लेट्स से इफ द स्टेटेड रेट ऑफ अ सेविंग्स अकाउंट इज 3% एंड बट अ कंपाउंडिंग, आपको पता है सेविंग्स अकाउंट पे कितने टाइम्स होती है साल में, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। सो क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है, स्टेटेड रेट इज 3%, राइट। अभी हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 3% तो एक जस्ट स्टेटेड रेट है, बट कंपाउंडिंग क्योंकि 4 times हो रही है, तो जो हमारा एक्चुअल रिटर्न आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 3%, राइट, बिकॉज कंपाउंडिंग जितनी बारी होगी उतना ज्यादा हमारा रिटर्न आ जाता है। अभी देखो इस एग्जाम्पल में दिस वॉज द स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न 20%, सो रेट ऑफ रिटर्न भले 20% है, एनुअल में इट वॉज एबल टू गिव इज 2,48,832, बट जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो गई तो वी वर एबल टू गेट मोर 2,65,329। तो स्टेटेड रेट वॉज 20% ओनली, ठीक है, द ओनली डिफरेंस वॉज
the number of times compounding was happening. The more the number of times compounding is happening, the better returns we can get. And therefore, हमने 20% से ज्यादा कमाया, ठीक है, इन सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, डेली, कंटिन्यूअस, इन ऑल दीज केसेस वी मेड समथिंग मोर देन 20%, राइट, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग इन द ईयर, ठीक है. अब भी अगर हम बात करें इस चीज को, अगर हमारे को इनकॉर्पोरेट करना है, इस चीज को अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना है एंड वी वॉन्ट टू नो कि एग्जैक्टली कितना रेट ऑफ रिटर्न हमने बनाया, इट इज मोर देन 20%, दिस इज वॉट वी आर एबल टू सेंस आउट ऑफ द सिचुएशन, राइट, बट हाउ मच इज इट, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट, देन दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. Okay, so that is referred to as the effective annual rate of return, which is the rate of return which has considered the number of compounding effects that have happened during the period, during the year. We have accommodated them and we have got to a rate of return which is including this compounding effect. So stated return jo hoti hai, वो विदाउट कंसिडरिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है, एंड जो इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होती है वो आफ्टर कंसिडरिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है, ठीक है. अब पॉइंट ये आता है हाउ टू कैलकुलेट इट. तो कैलकुलेशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है. लेट मी जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑन द व्हाइट बोर्ड. ओके, so when it is about calculation of effective annual rate of return, I hope the meaning is clear. Now we are talking about the calculation part. So talking about the calculation part of it, what we are saying is that we take 1 plus the 1 plus let me write the full form of it, 1 plus the stated return divided by m raised to power m minus 1, m indicating the number of times compounding is happening in an year. ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है एक साल में. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने लिया 3% का रेट था, सो 1 + 3% डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज कंपाउंडिंग कितनी बारी हो रही है, 4 times हो रही है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग का हमने एग्जांपल लिया था. ठीक है, सो 1 + 3% डिवाइडेड बाय 4 रेज्ड टू द पावर 4, which is the number of times compounding is happening in an year, minus 1. आप करेंगे, इसको calculate कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या answer आएगा हमारा यहाँ पर? 3.033. Okay. What about others? Are we able to calculate this? Let me do the calculation. 3.03%. That should be your answer. मैम मेरे को ये समझ नहीं आया, टू द पावर के लिए क्या दबाना पड़ेगा? टू द पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कैलकुलेटर में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपका जस्ट अ मिनट, तो टू द पावर में बेसिकली दिस इज व्हाट इज एप्लीकेबल, जहां पर y रेज़ टू द पावर x लिखा है ना, y raised to the power x, that is applicable to get to the power something, ठीक है? Let's say आपको, अच्छा वो calculate हो गया होगा आपका 3% divided by 4 plus 1, हाँ वो हो गया, plus 1, वो हो गया, जो भी आपका value आया, आप उसको put करो पहले, ठीक है?
मतलब ये आंसर आया उसके बाद y टू द पावर x वो दबाओ. हाँ जब ये आंसर आ गया आपका फिर आप y रेशो पर x पे क्लिक करते हो. ठीक है उसमें फिर 4 पे क्लिक कर दो. और फिर माइनस 1 इज इक्वल टू कर दो पहले फाइनल आंसर आने दो. हाँ. फिर उसके बाद माइनस 1 कर दो. 3% हाँ 3.03%. हाँ 0.03%. तो ये 0.03% जो आप एक्स्ट्रा बना रहे हो आप पे क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग 4 times हो रही है. ठीक है ना? आपकी क्योंकि कंपाउंडिंग 4 times हुई है इसलिए आप ज्यादा बना रहे हो. ठीक है लेट्स टेक दिस एग्जांपल. एनुअल कंपाउंडिंग का केस होगा तो जो भी आपका स्टेटेड रेट होगा और जो भी आपका इफेक्टिव एनुअल रेट होगा वो सेम ही होगा. कैलकुलेट करके देखो एक बार. एनुअल कंपाउंडिंग में इफेक्टिव एनुअल रेट फटाफट से इसी एग्जांपल में 20% का रेट है हमारा. सो 1 + 20% डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज हैपनिंग. कंपाउंडिंग इज हैपनिंग वंस. तो 1 + 20% डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1. आप सॉल्व करते हो कितना आता है? सेम सेम आएगा. ठीक है ना? अभी सेमी एनुअल पे बताओ कितना आ रहा है. क्विकली कैलकुलेट. इसमें हमारा इज इक्वल टू करेंगे 1 + जो भी हमारा 20% है डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1. आप करते हो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो आपका 20% आ जाता है. ठीक है सेम कैलकुलेशन सेमी एनुअल पे करके बताओ कितना इफेक्टिव एनुअल रेट आ रहा है आपका. 21%. ओके मुझे भी 21% आ रहा है. ओके लेट मी कैलकुलेट इट. सो 20% दिस टाइम वुड बी डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पर 2 माइनस 1. 21% is the answer. Decimals open करेंगे तब भी 21% ही है. ठीक है चलो quarterly पे बताओ फटाफट से. Speed should go up. Quarterly पे तो हमने calculate किया था नहीं किया था. करो फटाफट से calculate. 21.55. अभी आपको क्या दिख रहा है? मेरा एक्सेल शीट दिख रहा है व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड. अच्छा ओके. सो आई एम डूइंग कैलकुलेशंस ऑन एक्सेल. ठीक है अभी इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ. तो 1 + 20% डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1. आप करते हैं 21.55 आ रहा होगा आपका. यही आ रहा है. Are we getting 21.55 everyone? मुझे 22 आ रहा है. Rounded off आ रहा होगा. उसके decimals on करोगे तो exact amount ही आनी चाहिए. हम calculator बंद करके जब वापस चालू करते हैं तो मैं वापस से decimal को 5 में change करना पड़ता है. नहीं नहीं एक बार सेट कर दे तो वही आपका डिफॉल्ट सेटिंग सेट हो जाना चाहिए. कल मैंने 5 पे किया तो फिर भी अभी मैंने जब देखा तो 2 आ गया वापस. पता नहीं क्यों. एक बार दोबारा से सेट कर लो. वैसे होना तो नहीं चाहिए. अच्छा मंथली में कितना आ रहा है? 21.939. ओके सो इसके लिए क्या करेंगे? वी विल टेक 1 + 20% डिवाइडेड बाय 12 रेज टू द पावर 12 माइनस 1. 21.93 समथिंग 94. ठीक है आ रहा है ये सबका? मैम 5 डेसिमल वो करके अभी जो क्वार्टरली का था ना वो सेम टू सेम आ रहा है. क्या कह रहे हो आप? वो उस टाइम 2 था ना इसलिए 22 आ रहा था. फिर मैंने 5 में चेंज किया ना तो आपने यहाँ पे जो आंसर लिखा है ना वही सेम आ रहा है.
सही है वो राउंड राउंडिंग ऑफ की वजह से ही आ रहा होगा। मंथली मैच कर रहा है आपका? हाँ वही कैलकुलेट कर रही हूँ। और डेली पे कितना आ रहा है? डेली पे भी फटाफट से इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न बताओ। 22.14। ओके मैम मंथली के लिए भी वही सेम आ रहा है आपके जैसा। ठीक है गुड। सो डेली के लिए विल टेक 1+20% डिवाइडेड बाय 365 रेज टू द पावर 365 माइनस 1। ठीक है सो आई होप इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना, कंपाउंडिंग इफेक्ट निकालना। ठीक है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स को एडजस्ट करना। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। एफपी पीवी पीएमटी सब निकाला हमने। ठीक है अब बस छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं। मेन जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, जिससे कपल ऑफ स्मॉल पॉइंट्स आर लेफ्ट। व्हाट आर दोस स्मॉल पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कुछ भी मिसिंग हो सकता है। हमने ये सब कुछ कर लिया, पीवी एफपी पीएमटी एन आई वाई एंड रेट। सॉरी आई वाई इज रेट ओनली। सो फाइव थिंग्स आर देयर। सो हमने पीवी एफवी पीएमटी कैलकुलेट किया। एक आधा क्वेश्चन में हम एन और आई वाई भी कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है और एक और पॉइंट है। ठीक है तो लेट्स टेक अनदर केस, केस सेवन दिस टाइम। नाउ इन केस सेवन व्हाट वी आर सेइंग इज दैट लेट्स से we start with an investment of 5 lakh. So we start with an investment of 5 lakh and we want to in 10 years, okay, we want to multiply our capital 10 times. That is go from 5 lakh to 50 lakhs. So if you want to go from 5 lakh to 50 lakhs in 10 years, I want to know how much rate of return will I need to make it happen. So can you try calculating this rate of return on your calculator? Okay, so Sarthak has the rate. Sarthak has calculated 25.89. Let's see, I'm waiting for others also. So 5 lakh will put with a minus sign and put this into present value. Then we'll put 50 lakhs and we'll put it into future value. We'll put 0 and put it into PMT and we'll put 10 into N and then we want to compute IY. The IY should come out to be 25.89%. Are we getting this 25.89%, everyone? Yes, ma'am. Okay. So this is how we can calculate our rate of return if the question is to calculate the rate of return. Theek hai? Next comes another case where let's say we start today, okay, let's say we start today with an investment of 10 lakh. ठीक है, we start today with an investment of 10 lakh and we want to again multiply this 10 lakh with, I mean, we want to 10x our capital. So what we need is 7 zeros here. So we are going from 10 lakh to 1 cr, right? This is 1 cr, yeah. And this is 10 lakh, yes. So we are going from 10 lakh to 1 cr
एंड इफ लेट्स से वी हैव अ रेट ऑफ रिटर्न व्हिच सीम्स टू बी अचीवेबल फॉर अस, लेट्स से वी वांट टू we are aiming for 30% return and we want to 10x our capital, that is start from 10 lakh, make it 1 crore by getting a 30% return per annum. We want to know how many years will it take us. So can you try using your calculator to calculate the number of years this time? मैम वो एरर 5 एरर आता है बार बार, थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए प्लीज फिर से। इसमें एरर आ रहा है? एरर कैलकुलेटिंग एरर आपको तभी आएगा जब आपने अपना प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों को ही सेम साइन में डाला है। आपको डिफरेंट साइन में डालना पड़ेगा, एक को नेगेटिव में एक को पॉजिटिव में, तभी वो कैलकुलेट कर पाएगा, नहीं तो वो दोनों को ही इनफ्लो ट्रीट करेगा। तो अगर दोनों ही इनफ्लो है तो रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए तो यू नीड एन इन्वेस्टमेंट एंड देन एन इनफ्लो। सो इसीलिए 10 लाख विल बी माइनस 10 लाख एंड पॉजिटिव 1 crore इन अ फ्यूचर वैल्यू। IY में 30% आप पुट करोगे, PMT में 0 एंड कंप्यूट N कर दोगे। ठीक है, when you compute your n, it's 8.78 years. How are you getting 768, Nandini? It should be just 8.78. yeah, I think mistake ho gaya, isliye wapas kar rahi. आप सिंपली 30 टाइप करके IY पे क्लिक करोगे, 10 लाख टाइप करके माइनस का साइन डाल के फिर PV पे क्लिक करोगे एंड 1 crore टाइप करके, ठीक है, आप FV पे क्लिक करोगे, 0 पे क्लिक करके PMT पे क्लिक करोगे एंड देन कंप्यूट एन कर दोगे, 8.78 आपका आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू टेक यू रफली अराउंड 9 years टू मल्टीप्लाई योर कैपिटल 10x फॉर एबल टू गेट अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 30% पर आना, राइट? ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। यस, ओके, सो नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव अ लास्ट पॉइंट लेफ्ट फॉर आर चैप्टर, वील गो थ्रू दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू अनइवन कैश फ्लोस। ओके, लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड फॉर दैट। So basically what we are saying is that we talked about a concept of PMT where we were talking about equal cash flows, right? What if there is the case of unequal cash flows? What if, let's say, we invest something today, 1 year we get 1 lakh, second year we get 2 lakh, then some other year we are investing another 3 lakh. So there are cash flows, basically different cash flows which are happening every year, right? So what to do then? अभी तो हमने PV, FV, PMT, एक IY और एक N के हिसाब से काम किया, एक set pattern से काम किया। What if there are different unequal cash flows happening from time to time? वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। PV is today's cash flow, FV is after a certain period of time का cash flow, PMT is the regular cash flow.
अभी अगर हर साल ही अपना डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लो होता रहेगा, चाहे इनफ्लो है चाहे आउटफ्लो है कुछ भी है, अगर हर साल होता रहेगा तो ये फेल कर जाएगा, ठीक है? तो तब अपने को क्या यूज करना है, आई टॉक अबाउट दैट, ठीक है? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द कैलकुलेटर, देन वी टेक एन एग्जाम्पल एंड डू द कैलकुलेशन फॉर इट, ठीक है? इफ यू लुक एट द कैलकुलेटर, अभी हम इस पर्टिकुलर सेक्शन से डील कर रहे थे, अभी हम इस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करेंगे, ठीक है? दिस वन, जहां पे आपको CF दिख रहा है सबसे पहले, NPV एंड IRR दिख रहा है, ये तीन चीजें दिखे आपको, हाँ यहाँ पे हम डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी फर्स्ट थिंग देखते हो CF, तो इस CF में क्या है, CF में हम मैम, आपका कुछ सुनाई नहीं दिया, लास्ट सेंटेंस आपने जो बोला। आई थिंक आपका बैटरी डेड हो गया, यू आर नॉट ऑडिबल टू अस। अच्छा, नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम, ओके फाइन। अब सुनाई दे रहा है। आई थिंक अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है ये सारी एप्लीकेशंस, काफी लिमिटेशंस है। जरा सा माइक आप, मतलब अगर पहले कनेक्ट नहीं किया हुआ, मीटिंग स्टार्ट होने के बाद माइक कनेक्ट करो, तो अपने आप डिसकनेक्ट कर रहा था बार बार। अभी आई थिंक इट शुड नॉट डू दैट। एनी हाउ, हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट अनइवन कैश फ्लोज, ठीक है? तो अगर अनइवन कैश फ्लोज हो गए तो हम कहाँ पे फिल करते हैं, कैश फ्लो सेक्शन ऑफ आर कैलकुलेटर, ठीक है? तो लेट्स से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल एंड फिर उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो लेट्स कंसिडर दिस केस 9। यहाँ पर लेट्स से वी आर मेकिंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख, ठीक है? सो वी आर मेकिंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख एंड वी आर गोइंग टू गेट सम इनफ्लोज, ठीक है? तो लेट्स से कैश फ्लो 1 दैट वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर 1 ईयर इज लेट्स से 1 लाख। कैश फ्लो 2 दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इज आफ्टर 2 ईयर्स, ओके, दैट इज लेट्स से 2 लाख्स, ओके? सो यू कैन राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। देन वी हैव कैश फ्लो 3, कैश फ्लो 4, कैश फ्लो 5, कैश फ्लो 6, गोइंग फ्रॉम 2 लाख, एवरी ईयर वी आर एडिंग 1 लाख इनटू आवर पोर्टफोलियो, ओके? मतलब इनफ्लोज आ रहे हैं इसी ऑर्डर में, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर हमारे को ऐसी सिचुएशन दी हुई है, सबसे पहले तो यू में राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। अभी इसका अगर हमारे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, ठीक है, इन कैश फ्लोस का कंबाइन करके हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो अपने को क्या चाहिए होगा, वी विल नीड द डिस्काउंट रेट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स से द डिस्काउंट रेट इज 10%, सो यूजिंग दिस डिस्काउंट रेट ऑफ 10% वी वांट टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोस, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनपीवी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ आवर कैलकुलेटर टू गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट वर्ड क्यों आया, क्योंकि चाहे कहीं पर भी इनफ्लो हो कहीं पर भी आउटफ्लो हो, आउटफ्लो को वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, इनफ्लो को वो ऐड कर देगा, प्रोवाइडेड हमने साइंस प्रॉपर दे रखे हैं, आउटफ्लो को नेगेटिव कर रखा है और इनफ्लो को पॉजिटिव कर रखा है। तो हमें सिर्फ ये कैश फ्लोस पुट करने हैं कैलकुलेटर में, डिस्काउंट रेट डालना है,
एनपीवी वो कंप्यूट करके दे देगा. ठीक है, वी डिस्कस एनपीवी इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन कॉर्पोरेट फाइनेंस. ठीक है, तो अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेटर को समझ रहे हैं कि कैलकुलेटर में हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज पुट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो बस वही पॉइंट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं. बाकी जो डिटेल नॉलेज ऑफ एनपीवी है दैट वील डिस्कस इन अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस. राइट, अभी हम क्या करते हैं, लेट्स गो बैक. आई होप यू हैव रिटन डाउन द फॉर्मूला, सॉरी द डिटेल्स ऑफ द केस. अभी हम क्या करेंगे, विल गो टू आर कैलकुलेटर. एक मिनट मैम, मैं फोटो खींच रही थी. अच्छा सॉरी. ओके मैम. ओके तो अभी हम कैलकुलेटर में जाएंगे. कैलकुलेटर में हमें सिर्फ इससे मतलब है, सीएफ में वी कैन पुट एज मेनी कैश फ्लोज एज वी वांट. ठीक है, तो अभी आई विल आल्सो ओपन द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में सबसे पहले तो व्हाट आई विल पुट इज आई विल स्टार्ट पुटिंग माय कैश फ्लोज. सो आई विल प्रेस ऑन सीएफ. ठीक है, जैसे आप सीएफ पे प्रेस करते हो वो क्या देता है, सीएफ जीरो इज इक्वल टू. ठीक है, तो CF0 is equal to में हमें क्या पुट करना है, हमें हमारा जो भी टुडे टाइम जीरो इज टुडे, तो आज का जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो है वो आई विल पुट हियर. सो आई एम इन्वेस्टिंग 10 लाख. ठीक है ना, सो आई विल पुट 10 लाख हियर विद अ माइनस साइन. ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने 10 लाख पुट किया है और ये वाला जो कॉर्नर में आप देख रहे हो, दिस कॉर्नर सेल कंटेनिंग प्लस माइनस, वहां से मैंने इसको एक नेगेटिव साइन दिया है एंड मेरे को क्या करना है, एंटर. ठीक है, जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करते हो ये ऑटोमेटिकली आपको सीएफ जीरो इज इक्वल टू माइनस 10 लाख दिखा देगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैश फ्लो. उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डाउन एरो है, विल क्लिक ऑन दिस डाउन एरो. जैसे ही यू क्लिक ऑन दिस डाउन एरो, इट आस्क फॉर C01, दैट इज इट इज आस्किंग फॉर व्हाट इज द कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर. सो आफ्टर 1 ईयर वी आर गोइंग टू गेट 1 लाख. सो विल टाइप 1 लाख हियर एंड अगेन एंटर. जैसे आपने एंटर किया, इट विल शो यू C01 इज इक्वल टू 10 लाख. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, अगेन डाउन एरो पे क्लिक करते हो, तो वो अब आपसे ना एक चीज पूछेगा विच इज F01. तो ये F01 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल F01 स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी. कई बार क्या होता है, कुछ कैश फ्लोज हमारे रिपीट हो रहे हैं. जैसे अगर हमारे को लेट्स से 1 लाख मल्टीपल टाइम्स मिल रहा होता, लेट्स से 3 टाइम्स हमारे पास कंजेक्यूटिवली 1 लाख आ रहा होता. ठीक है, the condition is that it has to happen on consecutive basis, consecutive years. तो अगर ये consecutively आ रहा होता, जैसे 3 years का, तो हम यहाँ पर 3 put करते. But अभी हमारा कोई भी ऐसा cash flow नहीं है जो repeat हो रहा, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी 1 time ही है ये. आप उसको as it is रहने दो. आप एक और बार down arrow पे click करोगे, तो it will ask for C02. एक मिनट, मतलब F01 आया, फिर क्या दबाना है, डाउन एरो. अच्छा, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए छोड़ दिया. फ्रीक्वेंसी 1 है, एक ही बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार आ रहा है ना 1 लाख. फ्रीक्वेंसी 1 है इसलिए उसको एज इज रहने दिया, आगे मूव कर गए. अगर दो बार आ रहा होता 1 लाख 1 लाख, लेट्स से फर्स्ट ईयर में भी 1 लाख, सेकंड ईयर में भी 1 लाख, तो फ्रीक्वेंसी में 2 टाइप कर देते, फिर एंटर कर देते, फिर डाउन की कर देते. अभी एक ही बार आ रहा है, ऑलरेडी 1 फिटेड है, आप सीधा डाउन की पे प्रेस करके यू कैन मूव फॉरवर्ड. तो अब C02 स्पेसिफाई करना, विच इज 2 लाख. तो आप 2 लाख टाइप करके अगेन एंटर करते हो, फिर डाउन की पे प्रेस करते हो, फिर वो आपसे F0 पूछता है, F02 पूछता है, वो 1 है, आप उसको 1 ही रहने देते हो.
आप फिर से डाउन की पे प्रेस करते हो, वो आपसे C03 पूछता है। C03 में आप फिर से क्या करते हो, अपनी नेक्स्ट फिगर डालते हो विच इज 3 लाख, राइट। सो आप ऐसे ही 3 लाख फीड कर देते हो। एंटर, डाउन की, F03 वुड बी 1, फिर से एंड, फिर से आप डाउन की पे प्रेस करते हो, C04 आपको डालना है, चलो C04 तक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो C04 क्या था आपका, 4 लाख होगा, तो आप C04 में 4 लाख पुट कर देते हो, फिर एंटर कर देते हो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, C04 तक आई हैव पुट 4 लाख, ठीक है। CF0 में -10 लाख, C01 में 1 लाख, C02 में 2 लाख, C03 में 3 लाख, C04 में 4 लाख हमने डाल दिया है, डाल दिया सबने। अब हमें क्या करना है, कंप्यूट NPV। तो हम क्या करेंगे, NPV पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप NPV पे क्लिक करते हो, वो आपसे पूछता है व्हाट इज द डिस्काउंट रेट, दिस आई स्टैंड्स फॉर द डिस्काउंट रेट। मैम सॉरी मैम कंफ्यूज हो गई, वो C04 में हमने 4 लाख टाइप किया, फिर उसके बाद NPV दबाना है। हाँ ओके, NPV आप जैसे ही दबाओगे तो वो आपसे I is equal to पूछेगा, पूछ रहा है? हाँ। I is equal to में हम अपना डिस्काउंट रेट डालेंगे विच इज 10, तो 10 डाल के हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, 10 डाल के विल एंटर, फिर क्या करेंगे, फिर डाउन की पे प्रेस करेंगे। जैसे ही हम I में 10 डाल के एंटर करके डाउन की पे प्रेस करते हैं, तो ऐसे डिस्प्ले करेगा NPV इज इक्वल टू, हाँ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हम कंप्यूट पे क्लिक कर देंगे। आप कंप्यूट पे क्लिक करोगे तो ये आना चाहिए, आ रहा है आपका? यस मैम आ रहा है। हाँ तो ये क्या है, -2,45,201, ठीक है। सो अभी हमारे को प्रेजेंट वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अगर अनइवन कैश फ्लोज हो गए तो हमें इस तरीके से करना है, जब जब जो जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो पुट करना है, डिस्काउंट रेट पुट करना है, NPV कैलकुलेट कर लेना, सिंपल। अभी जो भी आपने पुट किया है ना यहाँ पर डेटा, वो एक बारी के लिए फीड हो चुका है। अगर हमें रिमूव करना है इस डेटा को, अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो ये सारे डेटा को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये CF में फीडेड है, जब तक आप रिमूव नहीं करते तब तक ये फीडेड रहता है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करना चाहते हैं लास्ट में एक क्लियर वर्क दिया हुआ है, एकदम कॉर्नर में लास्ट में क्लियर वर्क, उसको एक्टिवेट करने के लिए अगेन वो CEC सेल के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए वी विल हैव टू यूज सेकंड। तो हम सेकंड पे क्लिक करके CEC पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ जीरो आउट हो जाएगा। अब आपका जो भी, पहले आपको CF पे क्लिक करना होगा, ठीक है, जिसमें भी आप क्लियर वर्क करना चाहते हैं पहले आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप CF पे क्लिक करोगे, पहले आपको CF हटाने हैं सारे, यानी यू वांट टू रिमूव ऑल द कैश फ्लोस, सारे कैश फ्लोस रिमूव करने के लिए आप पहले CF पे क्लिक करोगे, सेकंड पे क्लिक करोगे एंड CEC पे क्लिक करोगे, तो आपके सारे जो हमारे कैश फ्लोस है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम हमें सेकंड के बाद किधर क्लिक करना है, CEC दिस कॉर्नर सेल, ये जो सबसे कॉर्नर में है ना ये वाला जीरो के बाद। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। ओके, सो आई थिंक वी आर थ्रू विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू TVM, ठीक है। अभी एक काम करते हैं,
let's try some questions on TVM before, you know, because to be honest, मुझे satisfaction नहीं मिलती जब तक practice अच्छे से ना हो जाए. ठीक है, तो but of course limitation है हमारे पास time की on the weekends. आगे देखते हैं हम इस चीज को कैसे हम और better कर सकते हैं. बट फॉर नाउ हमारा एक चैप्टर कम्प्लीट हुआ है एंड थोड़ा सा टाइम तो हमारे को देना चाहिए इसकी प्रैक्टिस के लिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, आपके पास करिकुलम है सी एफ इंस्टीट्यूट करिकुलम? यस मैम. ओके, ऑल ऑफ यू, सार्थक, नंदिनी, यस मैम, परिणीता, ऑल ऑफ यू हैव, प्लीज ओपन योर करिकुलम वेरी क्विकली. कोई भी ईयर चलेगा? हाँ चलेगा अभी के लिए. करिकुलम में टीवीएम वाला चैप्टर ओपन करेंगे हम, उसके क्वेश्चंस पे जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में. ठीक है, गो टू द बैक क्वेश्चंस ऑफ टीवीएम. वहां पर इनिशियल क्वेश्चन शायद आपको थोड़े सब्जेक्टिव दिख रहे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगे. ऐसा है आपकी बुक में? मेरे पास 2019 एडिशन है, इसमें तो ऐसे ही है. So in my book, the MCQs are starting from 10th question. Is it the same case in your book as well? Yes, ma'am. Okay. So एक काम करते हैं, let's devote 10 minutes. ठीक है, ज़्यादा नहीं सही, 10 minutes class में देंगे. ठीक है, and बाकी के जो है हम अलग से फिर मैनेज करेंगे क्वेश्चंस, उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लान वगैरह हम सेट करेंगे. ठीक है, अभी के लिए लेट्स फोकस आवर एनर्जीज ऑन टू दीज क्वेश्चंस फॉर 10 मिनट्स. आई विल गिव यू 10 मिनट्स, अभी हो रहे 3:45, 3:55 तक का आपके पास टाइम है. 10 मिनट्स में लेट्स सी आप लोग कितने क्वेश्चंस ट्राई कर पाते हैं और उसमें कितनी एक्यूरेसी रेट रहती है. एंड जिन लोगों ने लास्ट डेरिवेटिव्स की क्लास में भी ये वाला एक्सरसाइज मेरे साथ किया था, दे नो कि आई एम ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीवन. आई हैव प्रिपेयर्ड एन एक्सेल शीट फॉर दैट व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस आल्सो. ठीक है, तो अभी जितने लोग हैं, नंदिनी, सार्थक, शर्विल एंड परिणीता, आप सबके रिकॉर्ड्स में बनाने वाली हूँ विद रिस्पेक्ट टू कितनी देर में कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो और कितनी एक्यूरेसी रेट आपकी आ रही है. And the file will be shared with you. Don't worry. ठीक है, तो आप ही के सामने मैं ये file create करने वाली हूँ. सारा data आप ही के सामने मैं put करने वाली हूँ. ठीक है? And this is very important. मतलब जो अभी practice questions है वो ही करना है ना? ठीक है. जो सिर्फ previous back में जो questions दिए हुए वही start करेंगे हम. 10 minutes है आपके पास. ठीक है? फिर हम आपके doubts लेंगे. बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तो आई रियली एडवाइज कि अपने सारे कैमराज ऑन रख लो एटलीस्ट ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइजेस दैट वी हैव. प्लीज कीप योर कैमराज स्विच्ड ऑन. ओके, कनेक्टिविटी बेटर होता है, कनेक्ट कम्युनिकेशन बेटर होता है, और कुछ नहीं है, और कोई पर्पस नहीं है आपसे कैमरा स्विच ऑन करवाने का. जस्ट कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर दैट वेज. ओके, चलो, आई होप यू गाइज आर रेडी. प्लीज गेट स्टार्टेड. अभी से काउंट करके 10 मिनट्स है आपके पास. ओके, सो वॉट इज द स्टेटस गाइज? I think 10 minutes हो गए हैं. कितने questions हमने attempt किए? First of all of you, I will talk to everyone. Okay. I attempted 8 questions. Okay, so Sarthak attempted 8 questions. ठीक है. अभी आप क्या करो, जितने आपने questions हमने attempt कर लिए ना individual basis पे, you just try to tally your answers with your back answer. Solutions आपके सामने हैं. And just calculate what is your accuracy rate. Like Sarthak attempted 8 out of 8, let's say
सिक्स आर करेक्ट, तो 6/8 × 100 करके अपना जो भी आपका परसेंटेज आ रहा है वो मेरे को चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों काम कर दो आप. आई वॉन्ट टू नो कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपका कितना एक्यूरेसी रेट रहा है उन क्वेश्चंस में, ठीक है? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो हियर. ओके, एंड आई विल बी राइटिंग डाउन ऑल योर परफॉर्मेंस हियर इन दिस शीट. ओके, सो दिस वाज अबाउट डेरिवेटिव्स चैप्टर 1 परफॉर्मेंस. ओके, नाउ we are taking up quants TVM, okay, which is again chapter 1. So iska kya performance raha hai? Time allocated humne isme liya hai 10 minutes, right? So 10 minutes mein I think there are 4 participants, right? सो लेट मी जस्ट, या फिर एक काम कर सकते हैं आपका, इसको बार बार लिखने की जगह पर व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट ऐड इट हियर, ठीक है? एंड सो आई विल जस्ट ऐड योर नेम्स here. Okay, so kis kis ka naam nahi hai? I think one is Nandini, right? So Nandini, and who else we have? Sarthak. Sharvil. And Parinita. Achha, sabhi log? No, that's Chinmay. Achha, okay. Okay, fine. Okay. Can you spell your name? Is it fine? Yeah, without that extra A. Okay. Yeah. All right. So, I think all 4 participants are new. So first I would like to know, अच्छा आपने derivatives तो attempt नहीं किया, अभी से हर session, हर chapter का हम ये exercise करेंगे, ठीक है? Objective क्या है कि साथ साथ at least आपका थोड़ा practice हो class में, उनसे related आपका कैसा accuracy rate जा रहा है, कितना time management आप कर पा रहे हो, वो चीजें हम track कर सके in your classes itself. And secondly, आपको at least एक kickstart मिले to practice the rest of the questions. क्या होता है ना, कई बार I have noticed that people don't make that extra effort. अगर मैं उनको बिठा के अगर थोड़ा बहुत नहीं करवाऊँ, तो they don't take that effort to, you know, go ahead and solve all the questions on their own. बोलने से काम नहीं होता, ठीक है? So यहाँ पे multiple purposes हमारे solve हो रहे हैं by having this 10-15 minutes exercise after every chapter. एक तो आपको एक kickstart मिल रहा है to start practicing your curriculum questions. मतलब just remember एक simple सी strategy है, जो भी हम weekend पे cover कर रहे हैं, make sure that you are covering, revising everything and then practicing everything from the curriculum, Schweizer, from Mentor.me material, from CF Institute website. ये आपका रेंज है, इसमें से जो जो अभी आपके पास अवेलेबल है उस पर वर्क करो, फिर बाकी जो भी मटेरियल मिसिंग है जैसे आता है उस पर आप वर्क करते हो. तो ये आपकी रेंज है, ये 4 सोर्सेस, इनको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एंड क्लास में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो, ये हम मैप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सरसाइजेस विच वील हैव आफ्टर एवरी चैप्टर, ठीक है? तो अभी से आप मान लो कि हर चैप्टर के बाद हमने ये एक छोटी सी एक्सरसाइज जरूर करनी है. अभी हम कर रहे हैं मैप विद रिस्पेक्ट टू क्वांट्स, ठीक है? तो ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इनफैक्ट आपका यहाँ पर आएगा.
So first of all, I would like to know how many questions you have attempted and then what was your accuracy rate. Anybody who is ready can start. I have 7 questions attempted. ठीक है. तो मेरा है 57.14. Okay. Next. मैंने 8 questions attempt किया. Accuracy rate is 75%. Okay. Next. Sharvil, what about you? Yeah, I attended 6 questions. Rate is around 88. Okay. And Chinmay? Ma'am, I attempted 5 and all wrong. All wrong. Yes. Okay, was it difficult? I don't know, मतलब कुछ कुछ गलत हो गया था, but accuracy is like 100% in the negative sense. Okay, चलो, ठीक है, so of course we need to work on it. 0% तो मतलब हमारा aim क्या है? हमारा aim है कि eventually चाहे अभी first attempt है, इसमें अगर आपके नहीं भी आ रहे उस range में, it's fine. बट आपका एम है कि आप इसको इतनी बार प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चंस को. अभी तो हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस टेकअप कर रहे हैं, बट सारे क्वेश्चंस को इतनी बार आपने प्रैक्टिस करना है कि आपका रेंज आ जाए आराम से 70-80%. तो क्योंकि कोई परफेक्ट नंबर नहीं है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि भाई अगर इतना आपका स्कोर है तो यू विल बी एबल टू पास. वी डोंट हैव दैट. बट हमने एक्सपीरियंस के साथ जो एक बेंचमार्क सेट किया हमारे लिए 70-80% अगर आपके आपके सारे सब्जेक्ट्स में स्कोर अप कर रहे हो, यू आर इन द सेफ जोन, यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स इजीली. ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अंटिल यू गेट टू दैट प्लेस वेयर यू आर कंफर्टेबली स्कोरिंग 70-80% इन एनी सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गो थ्रू. ठीक है, तब तक हमारे को प्रैक्टिस करना है, दैट इज द टारगेट, राइट. तो अभी के लिए मैंने इसे सेव कर दिया, आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग देयर. ओके, सो अभी बात किसके बारे में आ जाती है, वंस वी हैव ट्रैक्ड योर परफॉर्मेंस, नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज डिस्कस योर डाउट्स. तो जितने भी मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो उन 8 क्वेश्चंस में जो भी आपके डाउट्स है जो आप मेरे साथ अभी डिस्कस करना चाहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बाकी ऑफकोर्स देर आर 30+ क्वेश्चंस आई थिंक. तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो रह गए हैं, यू हैव टू कंप्लीट देम ड्यूरिंग द वीक. एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके डाउट सेशन होते हैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, यू कम फॉर द डाउट सेशंस एंड जो भी आपने क्वेश्चंस अपने एंड में प्रैक्टिस किए हैं जिनसे रिलेटेड आपके पास डाउट्स आए हैं, ठीक है, तो वो डाउट्स आप मेरे साथ डाउट सेशन में ज्वाइन करके डिस्कस कर सकते हैं. वो डाउट्स प्लस एनी अदर डाउट, कॉन्सेप्चुअल डाउट, क्लास डाउट, एनीथिंग. For all those doubts, you can come on Tuesday and Friday. ठीक है, तो ये pattern ठीक है आपको, इसमें practice, concepts, doubts सब कुछ cover हो रहे हैं इस pattern में. And then of course जो time to time आपके mocks होते हैं उनको भी अगर आप सही तरीके से prepare करके देते हो, I'm sure बहुत easily आप crack कर सकते हो CFA. But इस pattern को follow करना है आपने. ठीक है, सक्सेस कॉम्प्लेक्स चीजें करने से नहीं आता, सक्सेस सिर्फ सिंपल चीजें करने से आता है, बट कंसिस्टेंसी के साथ. अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो कर सको तो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कांट अचीव. कुछ भी कर सकते हैं आप, बट बस वही होता है कि आपको गेम में बने रहना होता है. यू हैव टू पुट द राइट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन कंसिस्टेंटली. ठीक है ना, चलो अभी डाउट्स डिस्कस करते हैं. डाउट्स बताओ इन 8 क्वेश्चंस में जो आपको डाउट्स आपने फेस किए. कोई तो डाउट्स होंगे जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहोगे, कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं है लेकिन आप मेरे साथ एक बारी को डिस्कस करना चाहेंगे तो प्लीज लेट मी नो. आपके पहले डाउट्स हम लेंगे फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Any question in these 8 questions that you would like to? 15th question, okay. Let's see the 15th question. So if we look at the 15th question, as per my book says,
फॉर अ लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ 250,000 इज इट द सेम क्वेश्चन दैट यू आर रेफरिंग टू या मैम द जापानीज येन वन सॉरी द जापानीज येन इज द सिंबल ना मैम इन्वेस्टेड इन 3% यस यस येन यस दैट वन ओनली हां Yes, so a lump sum investment of 250,000 invested at a stated rate of return of 3% compounded daily and the number of months, what would be the number of months needed to grow the sum to 1 million is closest to what? Okay, so compounding ho rahi hai daily basis pe, we need to know the number of months. Theek hai, jo ki humare ko help karege. Achha, theek hai, fine. अभी हम डेली के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं. अभी आप एक्सेल शीट देख पा रहे हो. लेट मी गो टू व्हाइट बोर्ड. ओके, सो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से. ये एरिया कौन सा एरिया है? ये एरिया है हमारा प्रेजेंट वैल्यू एरिया विच इज -250,000. So we are investing this much amount today, ठीक है, and we want to make 1 million, right? The stated rate जो हमें दी गई है वो 3% है. Compounding हो रही है daily में. Daily की, ठीक है. कंपाउंडिंग हो रही है हमारी डेली की. तो थ्री हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में वी आर गोइंग टू पुट -250,000, फ्यूचर वैल्यू में वी विल बी पुटिंग इन 1 million, ठीक है. एंड रेट में हम क्या पुट करेंगे, आई वाई में वी विल पुट 3% डिवाइडेड बाई 365. PMT में we'll put 0 and we will compute N. N कितना आता है आपका, बता सकते हैं आप? ये क्या आ गए आपके, ये आ गए आपके number of days. अभी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मंथ्स. तो इतने डेज है तो मंथ्स पे कैसे जाएंगे, बता सकता है कोई? डिवाइडेड बाय ट्वेल्व. श्योर, सोचो. वी कैन मल्टीप्लाई बाय 12. नंबर ऑफ डेज आए हैं, एक मंथ में कितने डेज होते हैं हमारे पास? 30 to 31. तो अगर हमारे पास जो नंबर आया है, व्हिच आई एम अस्यूमिंग करेक्ट है, 16867, ठीक है, 0.27 डिवाइडेड बाय 30 शुड गिव यू योर नंबर ऑफ मंथ्स इन्वॉल्वड, राइट? क्योंकि देखो ना, 30 days इज इक्वल टू 1 month. यूनिटरी मेथड, मैथ्स यूज करेंगे, बेसिक मैथ्स. बेसिक मैथ्स में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं? सो इफ 30 days, इफ 30 days इज इक्वल टू 1 month, 1 day will be equal to 1/30 days, 1/30 months, right? And 16867 days would be equal to, इसको multiply कर दो, 16867.27, तो इसको divide by 30 करते हो तो आपके पास number of months आ जाएंगे. तो simply जो हमारा question था उसमें जब हम n निकालेंगे, that would be number of days. बिकॉज कंपाउंडिंग डेली बेसिस पे हो रही है एंड हमने स्टेटेड रेट को 365 से डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ गए. तो उसको बस हम यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे फिर, ठीक है?
So that's the process. Any other question that you would like to discuss with me? Question 12. Question 12. 12. 1, 2. Okay. Okay, question 12, as per my book, states, a bank quotes a stated annual rate of return of 4%. Is this the same question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so a bank quotes a stated annual rate of 4%. If the rate is equal to an effective rate of 4.08%, the bank is compounding interest daily, quarterly, semi-annually. So, yahan par, abhi humare paas kya hai? So, I'm removing this part. Theek hai? अभी देखो व्हाट आर वी प्रोवाइडेड विद, वी आर प्रोवाइडेड विद कि हमारा जो स्टेटेड रेट है, जो स्टेटेड रेट है दैट इज 4% एंड इफेक्टिव एनुअल रेट आफ्टर कंसिडरिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट जो रेट निकल करके आया है दैट इज 4.08%. और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा कंपाउंडिंग किस हिसाब से हो रहा है, डेली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, सेमी एनुअली हो रहा है. तो इसका कुछ परफेक्ट रूट नहीं है, हमारे को तीनों ऑप्शंस पे ट्राई करना पड़ेगा कैलकुलेट करके. ठीक है, सो डेली में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो 1+4% डिवाइडेड बाय 365 raised to power 365 - 1 आप करोगे, कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है. अगर वो 4.08% के इक्वल आता है तो डेली वुड बी योर आंसर. नहीं तो फिर आप क्वार्टरली पे ट्राई करोगे, सेमी एनुअल पे ट्राई करोगे, अनलेस योर आंसर कम्स आउट टू बी 4.08%. गेटिंग द पॉइंट? हाँ, डेली आ रहा है 4.08. डेली आ रहा है तो बस 4.08% हमारा आंसर हो गया. ठीक है, अंडरस्टूड? Also one case, जो 15th वाला है, I went to look back at solution. मैंने तो वैसे ही किया था traditionally. What they have done, no, they have directly divided this FP by PV. And they have got that sum and they have multiplied to 12 and they have got the answer. हाँ, I didn't understand that logic. हाँ, तो देखो मल्टीपल वेज हो सकते हैं किसी चीज को करने के, एंड आई डोंट नो उन्होंने क्या किया है. सो 1+3%, अच्छा उन्होंने इफेक्टिव एनुअल रेट निकाला है पहले. तो 3% अगर स्टेटेड रेट है एंड डेली कंपाउंडिंग हो रही है, तो 1+3% डिवाइडेड बाय 365 raised to power 365 - 1 वुड गिव अस द इफेक्टिव एनुअल रेट व्हिच कम्स आउट टू बी 3.0453. तो वो कह रहे हैं आफ्टर कंसिडरिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट 3.0453 इज द रेट ऑफ रिटर्न विच वी आर एबल टू गेट ऑन एनुअल बेसिस. अभी इस रेट को कंसिडर करते हुए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में 250,000 डाल दिया, फ्यूचर वैल्यू में 1,000,000 डाल दिया, रेट में इंस्टेड ऑफ 3% डिवाइडेड बाय 365 तो हम वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कर रहे थे, इन्होंने एनुअल रेट निकाल दिया. बेसिकली इन्होंने क्या किया, कंपाउंडिंग डेली थी तो डेली कंपाउंडिंग के हिसाब से इफेक्टिव एनुअल रेट निकाल लिया, और आई वाई में दे विल कंसिडर इफेक्टिव एनुअल रेट. तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो इन्होंने इफेक्टिव एनुअल रेट निकाला है, वो निकालने के लिए 1+3% डिवाइडेड बाय 365 raised to power 365 - 1 किया, जैसे हम निकालते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट. सबसे पहले इन्होंने वो निकाला है, दैट केम आउट टू बी 3.0453. तो ये हमारा आया इफेक्टिव एनुअल रेट. फिर उन्होंने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू में -250,000, फ्यूचर वैल्यू में 1,000,000, आई वाई में इन्होंने 3.0453 डाला, पीएमटी में 0 डाला, एंड फिर एन कंप्यूट किया. तो अब जो एन आएगा ना वो मंथ्स के फॉर्मेट, वो इयर्स के फॉर्मेट में आ जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि जो ये रेट हो गया ये एनुअल रेट हो गया. हमने क्या किया था, 3% डिवाइडेड बाय 365 किया था,
यानी कि पर डे का रेट आ रहा था, तो जो एन आ रहा था वहां पर नंबर ऑफ डेज आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डे का रेट लिया था। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इक्विवेलेंट इफेक्टिव एनुअल रेट निकाल लिया कि डेली कंपाउंडिंग इंक्लूड करते हुए इफेक्टिव एनुअल रेट क्या हो जाएगी, तो वो ये हो गई। तो अब जब एन आएगा वो नंबर ऑफ इयर्स के फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि ये ईयरली रेट है। आफ्टर कंसिडरिंग द डेली कंपाउंडिंग, जो ईयरली रेट है जो इफेक्टिवली वी आर एबल टू मेक बिकॉज ऑफ डेली कंपाउंडिंग, उसके बाद की रेट है। तो यहाँ पे आप एन कैलकुलेट करते हो, आपका कितना आता है, जो भी आएगा वो नंबर ऑफ इयर्स होगा, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे तो नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएगा। दोनों ही मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो ज्यादा आपको इजी लगे टू फॉलो आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेश्चन हाँ, जो इलेवेंथ आप, वाला। 11th क्वेश्चन, ओके। सो 11th क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क प्रीमियम इज मोस्ट रेलेवेंट इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस इन यील्ड्स बिटवीन 30-year बॉन्ड इशूड बाय यूएस ट्रेजरी एंड 30-year बॉन्ड इशूड बाय प्राइवेट इश्यूअर। तो एक तरफ क्या है, प्राइवेट कंपनी है, एक तरफ कौन है, यूएस ट्रेजरी है। यूएस ट्रेजरी मतलब यूएस गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट एक तरफ इशू कर रही है और एक तरफ एक स्मॉल प्राइवेट इशूअर, तो क्रेडिट वर्थनेस कहाँ पर ज्यादा होगी, फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी इन दोनों का जो यील्ड होगा वो डिफरेंट होने वाला है। वाई? बिकॉज ऑफ ए इन्फ्लेशन, बी मेच्योरिटी, सी लिक्विडिटी। इट शुड नॉट बी मेच्योरिटी, क्योंकि मेच्योरिटी तीनों की, दोनों की 30 years है। ठीक है, तो मेच्योरिटी की वजह से तो डिफरेंस नहीं आएगा। हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या बचता है, लिक्विडिटी बचता और इन्फ्लेशन बचता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, एक स्मॉल प्राइवेट लेंडर है, एक स्मॉल प्राइवेट इश्यूअर है, तो उसके ज्यादा बॉन्ड्स की डिमांड होगी नहीं इन कंपैरिजन टू अ गवर्नमेंट बॉन्ड। सो आई थिंक द गवर्नमेंट बॉन्ड वुड बी मोर इन डिमांड एंड देयर फोर द लिक्विडिटी शुड बी मोर देयर इन कंपैरिजन टू अ स्मॉल प्राइवेट इश्यूअर। स्मॉल प्राइवेट इश्यूअर के डिमांड ही नहीं होगी, मार्केट ही नहीं, लिक्विड नहीं होगी। आई थिंक आउट ऑफ द 3 ऑप्शन लिक्विडिटी मेक्स द मोस्ट सेंस। ठीक है, और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? सेवेंटीन और एटीन 17, 18, लेट्स सी, हैव अ लुक एट 17 एंड 18 क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्या बोलते हैं, एन इन्वेस्टमेंट पेज 300 एनुअली फॉर 5 years विद द फर्स्ट पेमेंट अकरिंग टुडे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्काउंटेड एट 4% एनुअल रेट इज क्लोजेस्ट टू। आपको क्या मिल रहा है, 300 मिल रहा है स्टार्टिंग टुडे फॉर 5 years। तो आप क्या कर सकते हो, पहले अपने कैलकुलेटर को बिगिनिंग मोड में सेट कर दो एंड पीएमटी में 300 डाल दो, एन में 5 डाल दो, आईवाई में 4 डाल दो, फ्यूचर वैल्यू 0 कर दो एंड कंप्यूट पीवी। गेटिंग द पॉइंट? I forgot to put my calculator in the beginning mode. बिकॉज इट इज पेइंग, फर्स्ट पेमेंट इज अकरिंग Yes, टुडे, yes. सो फॉर दैट पर्पज बिगिनिंग में करके आ जाएगा। ठीक है, 18th ऑल्सो, अ परपेचुअल प्रेफर्ड स्टॉक। अच्छा, एक ये पॉइंट है परपेचुअल पेमेंट का, तो ये परपेचुअल पेमेंट क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परपेचुअल, परपेचुअल मतलब फॉर एवर, दैट इज द देर इज नो मेच्योरिटी फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, देर इज नो रिडेम्पशन। तो हमें हमारा प्रिंसिपल वापस नहीं मिलेगा, हमें लेट्स से
दिस इज द केस ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो ये यूजुअली आपको इसका एग्जांपल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रिस्पेक्ट पे दिखेगा, विच आर प्रेफरेंस शेयर्स जो कि इररिडीमेबल है, दैट इज देयर इज नो रिडेम्पशन डेट टू देम, दैट इज कोई मैच्योरिटी नहीं है, दे आर प्रॉमिसिंग अ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर एवर। तो अभी पॉइंट ये आता है कि इनको अगर हमारे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऐसी इनफ्लोस का जो कि फॉरएवर आने वाले हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से जो प्रेफरेंस डिविडेंड हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 100 एवरी ईयर फॉरएवर, ओके। सो इफ यू आर गेटिंग अ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 100 एवरी ईयर फॉरएवर, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 100 है, लेट्स से द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, वी डिवाइडेड बाय दैट वी गेट 1000, तो 1000 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोस, ठीक है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, सो दिस प्रेजेंट वैल्यू इज वॉट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, राइट। दिस पीवी इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर इन्वेस्टमेंट, कि हम अगर आज एक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस एक्स पे हमारे को 10% का रिटर्न हर साल मिलता रहे, ठीक है। 10% इज आर एक्सपेक्टेशन विच इज आर डिस्काउंट रेट, राइट। आज हम क्या इन्वेस्ट करें कि हर साल हमारे को 10% उसका मिलता रहे, हमें मिल कितना रहा है, हमें 100 मिल रहा है, सो x का 10% इज 100, व्हाट इज x, 100 बाय 10% व्हिच इज 1000, गेटिंग द पॉइंट। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल पेमेंट विल बी, जो भी आपको पेमेंट मिल रही है एवरी ईयर, डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिस्काउंट रेट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ समथिंग विच इज गिविंग अस अ परपेचुअल पेमेंट फॉर एवर। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें 18th क्वेश्चन में, a perpetual preferred stock makes its first quarterly dividend payment of $2 in 5 quarters, ठीक है, 5 quarters बाद आपको उसकी first payment मिलेगी, जो कि forever आपको मिलती रहेगी, because it's a perpetual preferred stock. If the required annual rate of return is 6% compounded quarterly, the stock's present value is closest to what? अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यानी आज की डेट की, तो ये दो स्टेप्स में होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा इसका, एनी सजेशंस फ्रॉम योर एंड? किन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू? यस, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो व्हाट आर वी डॉलर डिवाइडेड बाय 6% डिवाइडेड बाय 4, यस, बिकॉज़ this is what we are going to get per quarter, so the rate should also be on per quarter basis. So $2 that we are getting per quarter divided by 6% divided by 4 should give you our present value after 5 quarters, right? So ek kitna aa jata hai aapka, 133.33, but this is the present value after 5 quarters, ठीक है, क्योंकि ये पेमेंट कब आ रही है, 5 quarters बाद आ रही है, राइट, 5 quarters from today है, 5 quarters from today, तो अगर हम at the end के हिसाब से देखें तो कितने quarters हो गए, 5 quarters ही हुए ना, 5 quarters हुए या 4 हुए, अच्छा, लिसन, क्या है कि अभी हमारे को फिफ्थ क्वार्टर से पेमेंट मिल रही है, ठीक है, $2, तो
तो जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी तो एक एक पीरियड बिफोर निकलती है ना। सो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये फोर्थ पीरियड के एंड में आएगी। तो अभी जो ये आई है दैट्स 133.33 एट फोर्थ पीरियड। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू डिस्काउंट इट टू जीरो पीरियड, क्योंकि वी नीड द प्रेजेंट वैल्यू टुडे। तो प्रेजेंट वैल्यू एट जीरो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r^2 करेंगे। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है, आर क्या लेंगे, आर वुड बी 6% डिवाइडेड बाय 4, राइट, क्योंकि क्वार्टर इसके टर्म्स में हम देख रहे हैं सब कुछ। सो 133.33 डिवाइडेड बाय 1 + 6% डिवाइडेड बाय 4^4, या फिर आप अपने कैलकुलेटर में सीधा एन डालोगे 4, आईवाई में डालोगे 6% डिवाइडेड बाय 4, फ्यूचर वैल्यू में 133.33, पीएमटी में 0, कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, हाउ मच प्रेजेंट वैल्यू डू यू गेट, 125.5.62, सो 126 इज द ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर सो फार। ठीक है, सो अभी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, व्हाटएवर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, प्लीज मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द वीक यू फाइंड सम टाइम टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस एंड कम इन द डाउट सेशंस एंड डिस्कस रेस्ट ऑफ द डाउट्स विद मी। ओके, नाउ वी हैव टू बिगिन विद आर नेक्स्ट चैप्टर। सो डू यू गाइस नीड अ स्मॉल ब्रेक हियर? यस मैम। ओके, so let's take a small quick break and after that we will continue and we'll start with our next chapter. Okay.